तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस नेतृत्व कटघरे में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद से भाजपा हमलावर तो है ही और अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी नाराज होने लगे हैं। पार्टी के फैसले के विरोध में कांग्रेसी राम भक्तों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। देवास जिले के समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह नागर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह नागर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि प्रदेशाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराए जाने से मेरा मन बहुत आहत दुखी हुआ है। मेरे अंतकरण को बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए मैंने मेरे सब विवेक से निर्णय लिया है कि मैं ऐसे संगठन में अब काम नहीं करूंगा जो हमारे इष्ट देव आराध्य भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर सनातन धर्म का अनादर करे। प्राण प्रतिष्ठा किसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारे सनातन धर्म का एक 550 साल से जो लंबित था मामला, उसको बड़ा पुण्य अवसर आया है जिसमें रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसमें इनको जाना चाहिए। अब मैं ऐसे दल में काम कर रहा हूं जो सनातन धर्म के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो मेरे अंतःकरण ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे दल में काम नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा मन बड़ा आहत हुआ, दुखी हुआ, इस कारण से मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं अभी वर्तमान में समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर काम कर रहा था और बचपन से ही कांग्रेस का बहुत कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं मैं, लेकिन इस बार मुझे मेरे अंतःकरण की बात को सुनना पड़ी और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया।